तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आज से हमने नीट की सीरीज़ को स्टार्ट किया है और इसमें हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर एक टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चंस आए हुए, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने इसकी 40 सीरीज़ जो है वो की है, तो आज से लेकर 40 दिन तक लगातार आपको जो है ये सीरीज़ जो है अवेलेबल रहेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आप के नीट एग्जामिनेशंस जो कि जुलाई के अंदर, लगभग जुलाई के एंड वीक के अंदर आपकी बात हुई है, तब तक आप तक ये सारी चीज़ें मैं पहुंचा पाऊँ। तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला सेगमेंट, फर्स्ट सेगमेंट। और ये फर्स्ट सेगमेंट जो हमारा रहेगा वो है द लिविंग वर्ड। तो मैं आपका होस्ट डॉक्टर पंकज कुमार जोशी आपके लिए लाया हूँ फर्स्ट सेगमेंट, और वो फर्स्ट सेगमेंट है आपका नीट के अंदर प्रीवियस 31 इयर्स के अंदर जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस हैं उनको। और उस सीरीज़ में आज आपके पास में पार्ट फर्स्ट रहेगा द लिविंग वर्ड। इसमें देखिए, जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का जो एकदम सही तरीका होता है वो क्या होता है कि आपको जो इसके तीन वो ऑप्शंस भी देखने होते हैं जो गलत हैं, क्योंकि उन तीन गलत ऑप्शंस को देखने पर आपके पास में तीन दूसरे क्वेश्चंस भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें दिया हुआ है नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं, तो हम इन चारों ही ऑप्शंस पर बात करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टेरी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, कि जो नॉमेनक्लेचर के रूल को फॉलो नहीं करता है, अपने को उस चीज़ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। तो शुरू कर देते हैं। पहला ऑप्शन देखिए इसका, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक एफिडेट। बिल्कुल ठीक बात है। जैसा कि आप जानते हैं, रूल में पहला जो नाम होता है वो हमेशा स्पीशीज का होता है, और पहला नाम जो होता है वो जीनस का होता है, और दूसरा नाम आपका स्पीशीज का होता है। देखिए, नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटलाइज्ड। देखिए, बिल्कुल इटैलिक उसको आप किया जा सकता है और उसको लैटिन के अंदर लिखा जाता है। व्हेन दे रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन। बिल्कुल ठीक बात है, नेम्स को अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। मैं बच्चों को कहता हूँ इस बात को लेकर, जब भी आप कोई बायोलॉजिकल नाम लिखें तो आप उसको अंडरलाइन जरूर करें। अब चौथा ऑप्शन आप देखिएगा, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखिए वे केवल और केवल आपके लैटिन लैंग्वेज के अंदर ही ओरिजिनाइज्ड होते हैं, तो उनको किसी भी लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा जा सकता था। दिस इज द राइट आंसर। नीट 2016 का क्वेश्चन था ये आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द लेवल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में देखिए, डेट ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम और नेम ऑफ कलेक्टर, ये बिल्कुल दिया हुआ होता है। नॉट को देखिएगा आप यहाँ पे, तो आप देखेंगे हाइट ऑफ द प्लांट, कभी भी हाइट ऑफ द प्लांट नहीं लिखा जाता है हर्बेरियम शीट पर। ये भी आपके नीट 2016 का एक क्वेश्चन है। फिर आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टडी द फोर सेगमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट टू करेक्ट वन आउट ऑफ देम। उनमें से किसी आपको दो को क्या करना है, करेक्ट देखना है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। सबसे पहला है कि भाई बायोलॉजिकल स्पीशीज का जो डेफिनेशन है वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। सेकेंड है, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। भैया ये तो बिल्कुल गलत है, फोटो पीरियडिज्म जो है वो प्लांट के अंदर क्या करता है, सारे कुछ चीज़ों को इफेक्ट करता है, तो रिप्रोडक्शन को भी इफेक्ट करेगा। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वॉज गिवन बाय आर एच विटेकर। नहीं, बिल्कुल गलत। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। तो हमारे पास में आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ सेगमेंट बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर इसका रहेगा सी। तो आपका सी सेगमेंट बिल्कुल इसमें करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे की तरफ, तो फोर्थ सेगमेंट हम लोग इसका देखते हैं। फोर्थ आपका इसका क्वेश्चन देखते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो आपका आपके ऑप्शंस हैं सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल और एटॉमिक लेवल। तो देखिए, आप इसमें सबसे छोटे लेवल पे जाएंगे तो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, ये आपका AIPMT 2007 का आपका क्वेश्चन रहा।
फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्टेबली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। नॉन लिविंग और लिविंग को कैसे आप क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस टू द टच, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इन प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट। जिसमें देखिए कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें लगभग कई सारे आपके ऑप्शंस आपको लगता है एक जैसे हैं, पर उसमें आपको एक करेक्ट आंसर जो है वो ढूंढकर निकालना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। देखिए ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ है कि हम लोगों में प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन चलता रहता है और हम एनवायरनमेंट से सदैव लगातार क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप इन ह्यूमन। कि भैया नेगेटिव फीडबैक लूप क्या है हमारा, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल व्हेन इट इज टू कोल्ड, सिक्रेशन ऑफ टीयर्स आफ्टर फेलिंग ऑफ सेंट पार्टिकल्स इनटू द आई, सलाइवेशन ऑफ माउथ एट द साइट ऑफ डिलीशियस फूड, सिक्रेशन ऑफ स्वीट स्वेट ग्लैंड्स एंड कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल व्हेन इट इज टू हॉट। तो देखिए नेगेटिव की बात हो रही है हमारे पास में, तो द राइट आंसर विल बी योर आंसर नंबर ए, विच इज कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्किन ब्लड वेसल एंड कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ स्केलेटन मसल व्हेन इट इज टू कोल्ड। ये इसका आंसर जो है वो राइट रहेगा। आप अगर सोचेंगे कि भाई ये सर ऐसा जो है वो क्यों हो रहा है, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्किन ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट एंड स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द कोल्ड। बेसिकली इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ होमियोस्टेटिस। ये होमियोस्टेटिस की वजह से होने वाला आपका क्या है, एक रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो एनवायरमेंट के प्रति आपका होता है। अब हम सेवंथ की बात कर लें क्वेश्चन की, कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन दी अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय। कौन कौन जो है वो कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस कर सकता है, ऑल बैक्टीरिया, फंगस एंड एल्गी, फंगस, एल्गी, ग्रीन प्लांट सेल्स, सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट सेल्स एंड वायरसेस, फंगी एंड योर बैक्टीरिया। तो द राइट आंसर इज सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड द ग्रीन प्लांट्स। और आप देखेंगे कि भाई रीज़न क्या है इसका, इसका रीज़न है फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ध्यान रखिएगा। एल्गी जिसमें ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी फोटोसिंथेसिस करती है, और ये फोटोसिंथेसिस करकर और क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म्ड करती है। एट्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड कहाँ पे है। तो राइट आंसर विल बी पोलर आइस। देखिए आपको मैं बता दूं कि 3/4 सरफेस ऑफ द अर्थ, अबाउट 71% ऑफ द टोटल इज ऑक्यूपाइड बाय द ओशियंस। 71% जो है वो ओशियन द्वारा ऑक्यूपाइड कर रखा है, ठीक है, विच कंटेन 97.5 फॉर टोटल वाटर। आप देखिए कि जितना भी पानी है उसका 97.5% उसके अंदर आपको मिलेगा। अब देखिएगा मेरी बात, रेस्ट वाटर जो आपका 2.5% आपका जो बचता है, ठीक है, इसके अंदर भी 1.97%, इस परसेंटेज को भी ध्यान रखिए, 1.97% जो आपका है वो फ्रोजन आइस कैप्स और ग्लेशियर के अंदर वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपका द राइट आंसर विल बी पोलर आइस। अब देखिएगा नाइन्थ क्वेश्चन, देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ। आप देख पाएंगे कि हम लगातार क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये भी बता रखा है कि ये कौन से ईयर में आपको क्वेश्चन पूछा गया है और किस एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाई लाइफ मून पर क्यों नहीं है, उसका जो पर्टिकुलर रीज़न है वो है वहाँ पे नहीं मिलने वाला वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वाटर जो है वो साइटोप्लाज्म का एक बहुत एसेंशियल पार्ट आपका होता है। इसके अलावा ये सब्सटेंस के डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको हेल्प करता है, साथ साथ ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन्ड करने का क्या करेगा, आपका काम करेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए वाटर बहुत आपका क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है अपनी स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए 16 ही क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं टोटल, 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आपको ध्यान पड़ेगा, रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑल लिविंग बीइंग
डाइवर्सिटी जो है वो क्यों है, आप देखेंगे इसका जो आंसर नंबर थर्ड है, इट इज द राइट आंसर। अभी हमारी बात भी हुई थी, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस हमारे में लगातार जो है वो इवोल्यूशनरी चेंजेस होते रहते हैं, जिसके कारण से ऐसा होता है। देखिए म्यूटेशन जो है वो वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं कि म्यूटेशन के कारण से वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन आप देखेंगे डाइवर्सिटी में नेचुरल सिलेक्शन जो एक प्रोसीजर है उसकी वजह से लगातार हमारे अंदर इवोल्यूशनरी चेंजेस होते रहते हैं, और इन इवोल्यूशनरी चेंजेस के कारण से ही हम लोग क्या है कि जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी लाइफ जो है लिविंग बींग्स जो है वो शो करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज, लाइफ पर जो अर्थ पे जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म था वो क्या था, तो वो थे कीमो हेटेरोट्रॉप्स। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, कीमो हेटेरोट्रॉप्स। उसका रीजन आप देख लीजिएगा, उसका कारण क्या था कि भाई सबसे पहले जो आप देखिएगा लिविंग बींग्स इस अर्थ पे बने थे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने थे जो कि थे सी के अंदर, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि दे एब्जॉर्ब दी ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल्स को न्यूट्रिशन के हिसाब से क्या कर लिया अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने से ये जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए आपके कीमो हेटेरोट्रॉप्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12th क्वेश्चन आता है, रिलेटिवली बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस RBE इज यूजुअली रेफर टू डैमेज कॉज्ड बाय, किस वजह से होता है भैया, तो इसका एक आप देखिए ट्रिक देखिए, R फॉर रिलेटिव, R फॉर रेडिएशन। तो आप ध्यान रखिएगा द राइट आंसर विल बी रेडिएशन, और मैं आपको बता दूं कि ये क्यों है। जो स्टैंडर्ड रेडिएशन की डोज है जो एक व्यक्ति या एक कोई लिविंग बीइंग क्या कर सकता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, वो तो स्टैंडर्ड है। पर यहाँ पे जो इफेक्टिवनेस है मतलब उस डोज के जब हम ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाने के बाद जो डैमेजेस और जो इफेक्ट्स होते हैं शरीर के अंदर वो होता है आपका रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। द राइट आंसर विल बी रेडिएशन। 13th क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू यूटिलाइज ऑक्सीजन, नहीं भैया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा इसका भी जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, रिप्रोडक्शन जो है आपको ध्यान है बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है लाइफ के अंदर, ठीक है। अब आप देखिए भाई बहुत सारे आपके ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वो जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो भी सेल डिवीजन के थ्रू अपने डीएनए को क्या करते हैं रेप्लिकेट करते हैं। तो हमारे अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रेप्लिकेट दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपको 14th क्वेश्चन आता है पेडोलॉजी, बहुत सिंपल है, इसका आंसर रहेगा आपका सॉयल का स्टडी, ठीक है जी। उसके बाद 15th क्वेश्चन पे आते हैं होम्योस्टेटिस, टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, ये इसका सही आंसर है, द आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपने कहा कि इसमें क्या होता है कि आप एक रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे कि जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक बार आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, पर जब आप रेस्टिंग स्टेज में आते हैं तो वो वापस से क्या हो जाता है नॉर्मलाइज हो जाता है, इस चीज को भी अपने को ध्यान रखना है। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर आज के, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द हेरिडिटी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज, देखिए ह्यूमन रेस में किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ चेंजेस या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो इसके लिए जो साइंस का आपका ब्रांच है उस ब्रांच को आप कहते हैं यूजेनिक्स। और ध्यान रखिएगा यूजेनिक्स की अगर डेफिनेशन की बात करें आपसे, तो आप कहेंगे यूजेनिक्स रेफर टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय मॉडिफाइंग फर्टिलिटी और एम्प्लॉइंग दी हेरिडिटी प्रिंसिपल। तो कुल मिलाकर ये रेस के अंदर जो कोई मान लीजिए आपके कोई डिजीज है या कुछ ऐसा है उसको चेंज करने के लिए क्या आता है, ये काम आता है। तो आज हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर 31 इयर्स नीट क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट के अंदर लिविंग वर्ड को पढ़ा बच्चों। अब हम लोग लगातार जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोग आपके पास आते रहेंगे, और कल हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक डाइवर्सिटी की तरफ चलेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपका अपना चैनल है और हम चाहते हैं आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि और आप अपने क्वेश्चंस अपनी क्वारीज
मैंने अपना यहाँ पे एक जीमेल और अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया है, आप अपने क्वेश्चंस को इस पर, अपनी क्वारीज को इस पर भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।